आव्यूह का घटाना, ये दो चीजें पढ़ी है। आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। तो आव्यूह का गुणा करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये पूरी जो पंक्ति रहती है स्तंभ में कन्वर्ट हो जाती है माइंड में। जैसे मैं यहाँ पे लिख के आपको बता दे रही हूँ फिलहाल, लेकिन आपको माइंड में सेटअप करना है ये पूरी पंक्ति किस में चली जाएगी, स्तंभ में। अब गुणा कर दो, 6 3 18, 4 2 8। अब 3 का करोगे 3 3 9, 8 4 32, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्तंभ होगा, यानी अगली पंक्ति को स्तंभ स्तंभ में करना पड़ेगा। यानी जितनी पंक्ति होगी उतनी स्तंभ में बुझाएंगे। अब यहाँ 2 और 5 जाएगा, 2 और 5 दिमाग में सेटअप कर लेना। मैं आपको इसलिए लिख के बता रही हूँ कि आपको समझ में आए किया क्या है। आप 6 2 12, 5 2 10, 3 2 6, 5 5 40। अब जोड़ देंगे 18 8 26, 32 और 9 41, 12 और 10 22, और 40 और 6 कितना हो जाएगा 46। एक बार और सुन लीजिए, ये पंक्ति जो है वो स्तंभ में कन्वर्ट होती है माइंड में। यानी 3 और 4 हो गया पहले नंबर, तो 3 और 4 स्तंभ में चला गया, तो इसको गुणा कर दो आप 6 3 18 4 2 8 ऐसे, है ना। फिर उसके बाद अगली